वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्सी। यहाँ पर यूएफई चैंपियंस लीग का मैच शुरू हो रहा है ब्रैंड वुमेन वर्सेस बार्सिलोना वुमेन के बीच, तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि कल भाई साहब बहुत तगड़े मैच चालू हो रहे हैं। परसों से तो चलो आईपीएल है, लेकिन कल से ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच मतलब एएफसी का, उसके बाद यूरोपा लीग का मैच है, फिर यूरो क्वालीफायर का, इतने मैच हैं भाई मेरे कल, और वो भी इंटरनेशनल लेवल के, और ये 10-12 दिन चलने हैं कंटिन्यू। तो बिल्कुल तैयार रहो, मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि ये मैच महीने दो महीने में एक बार होते हैं 10 दिन के लिए, लेकिन मज़े देकर जाते हैं, एकदम इन्वेस्टमेंट को भाई साहब बूस्ट कर देते हैं सारे मैचेस। तो तैयार रहना भाई इनके लिए। उससे पहले मैं वुमेन की बात करूँ, वुमेन मैच इज़ अ ग्रेट मैच, बार्सिलोना वैसे ईजी यहाँ पर जीत जाएगी। कुछ प्लेयर का कुछ थोड़ा मुझे दिक्कत लग रहा था, वो मैं आपसे शेयर करूँगा बाद में। सबसे पहले मैं आपको स्टैट्स की ओर लेके चलता हूँ। तो देखो ब्रैन और बार्सिलोना, आपको पता है कि बार्सिलोना एक बहुत अच्छी टीम है, और बार्सिलोना की मैक्सिमम प्लेयर्स जो हैं वो खेलती हैं भाई मेरे इंटरनेशनल लीग में, तो इसलिए मैं इनको फेवर करूँगा। 2-3-4-10 मेंबर कॉन्टेस्ट आप लोगों ने खेलना है। सम की प्लेयर एंड कैप्टन सजेशन की बात करूँ तो सी ग्राहम हैंसन को यहाँ पर मैं लूँगा। देखिए भाई सी ग्राहम हैंसन बहुत ही मतलब मैं कहूँगा एक बड़े बड़े लेवल की प्लेयर है, मींस बहुत अच्छा खेल लेती है, ऐसी बात नहीं है। ग्राहम हैंसन के काफ़ी गोल्स भी मैंने देखे हैं, और अगर मैं लास्ट दिनों की बात करूं अभी कुछ ही दिन पहले, उधर भी बहुत अच्छी खेली है ग्राहम हैंसन। प्यूटल्स की अगर मैं बात करूं तो प्यूटल्स एक एवरेज गेम प्लेयर है, लेकिन हाँ भाई पिछले मैच में अच्छा करके गई, सेकंड लास्ट मैच में अमेजिंग करके गई, कई बार अलग ही चल जाती है। बट ना पांच प्लेयर को हम कैसे लेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। अब क्या है, मैं बॉनमती कोई भी बात करूँगा, बॉनमती मस्ट पिक है। बॉनमती गोल नहीं भी करेगी तो भी आपको हराने का दम रखती है, वो बिना गोल करे 35-40 पॉइंट दे जाती है, बॉनमती की बात कर रहा हूँ। और बाकी गोल रेशियो है भी अच्छा, ऐसी बात नहीं है। और सी पीना ने लास्ट मैच में दो गोल किए, क्यों? क्योंकि सी पीना कर रही है स्ट्राइकिंग, सी पीना गोल नहीं कर रही। अगर गोल कर रही, गोल बहुत कम चल रहे हैं, स्ट्राइकिंग ज़्यादा है। और एस पैरालुएलो की बात करूँ, ये पहले स्ट्राइकर रह चुकी है, तो इसको मैं इसलिए ले रहा हूँ। इन पांचों में से भाई मैं चार को लूँगा, एक प्लेयर मेरी छूटेगी, और वो एक प्लेयर हार का कारण बन सकती है, वो कोई भी हो सकती है। मैच से पहले किसी को नहीं पता कि कौन गोल करने वाला है, तो ये आपको 10% अपने लक पे छोड़ना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। आपको कई बार देखो मैं लक के ऊपर विश्वास नहीं रखता, लेकिन कई बार लक बेसिस पे भी टीम बनानी पड़ती है, और यही चक्कर यहाँ पड़ रहा है। पांच प्लेयर चार लेनी है, तो अभी भगवान पे छोड़ दो भाई, है ना। और आगे बात करें तीन प्लेयर की, वो है एस गॉपसेट और क्रमर। एल क्रमर कई बार मैंने देखा था इसको अच्छा प्रदर्शन करते हो, लेकिन मेरे को गॉपसेट बहुत सेफ प्लेयर नज़र आ रही है। एक्चुअली उसको सब लोग लेंगे, क्रमर, अगर मैंने क्रमर को लिया और क्रमर ने एक आध गोल ना किया तो मैं हार जाऊंगा, और मेरे को गोल चांसेस बड़े कम लग रहे हैं, दैट्स वाई। और अगली प्लेयर की बात करें, यहाँ पे है आर एंगेस्विक। आर एंगेस्विक के साथ यहाँ पर मैं अपनी टीम में जाने वाला हूँ, बड़ा अच्छा डिसेंट खेलती है और अपनी टीम की मेन मिडफील्डर है, असिस्ट में इसका जोर ज़्यादा रहता है। बिग इंजरी की बात करें, कोई खास प्लेयर इंजर्ड ही नहीं है भाई, तो इसलिए यहाँ पर मैं दो दिन से नील ही छोड़ रहा हूँ, इंजरी में कुछ हुआ ही नहीं तो क्या लिखूँ। एंड विनिंग चांसेस की अगर बात करें तो BRN मतलब ब्रांड टीम के 9% विनिंग चांस, और ऑपोजिशन टीम के 91। क्या फ़र्क है भाई, एक 9 और एक 91, ज़बरदस्त फ़र्क, बहुत लंबा फ़र्क। एंड गोल चांसेस की बात करें, 0-1 गोल आ सकता है ब्रांड का, 3-4 गोल आ सकते हैं बार्सिलोना के। 0-1 गोल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार एक आधी टीम गोल कर ही देती है, चांस तो मुझे जीरो लग रहे हैं, बट एक आधा तुक्के में आ गया तो आ गया। और 3-4 गोल बार्सिलोना के कंफर्म आएंगे, बड़ी टीम है। तो अब बढ़ते हैं टीम की ओर, ठीक है। तो मैंने टीम पहले ही बना रखी थी दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले मैंने टीम तैयार कर रखी है, बस आपको दिखानी बाकी है। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, सी ग्राहम हैंसन को यहाँ पर मैं लूँगा, जिसकी मैं तारीफ़ कर रहा था। ग्राहम हैंसन बहुत अच्छा खेलती है, पहले मेरे को इस पर इतना ट्रस्ट नहीं था, रोजनगार्ड के मैच में भी इसकी सिलेक्शन ओनली 50% थी, और आज अब देखो 77 है, क्योंकि भाई अलग खेलती है, अच्छा खेल लेती है। उसके बाद एस पैरालुएलो की बात करें, मैंने आपको गाय शुरू से स्ट्राइकिंग रही है, लेकिन ना इस पर ट्रस्ट करना बड़ा दिक्कत वाली घड़ी कई बार हो जाती है। मैं बार्सिलोना पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, बहुत बड़ी उच्च लेवल की टीम है, लेकिन एस पैरालुएलो पे मतलब मैं ट्रस्ट करूँ, इसको वाइस कैप्टन रखूँ, कैप्टन रखूँ ना रखूँ, मेरे तो भाई समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लूँगा। एंड गॉपसेट की बात करी, देखिए मैंने गॉपसेट को लिया है क्रमर की जगह। एल क्रमर अच्छा खेलती है, यू कैन गो विद हर, लेकिन ऐसा है कि गॉपसेट सेफ प्लेयर है, सेफ, बिल्कुल सेफ, इसलिए मैं इसके साथ जाऊंगा। मिडफील्डिंग सेक्शन की बात करें, बॉनमती के बाद आपको बता दूं कि यहाँ पर ये लोग मैरियोना को खिला सकते हैं, तो आपको फिर मैरियोना को लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मैरियोना खेली तो फिर सी पीना नहीं खेलेगी, जिसको कि मैंने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। ये हमारी प्लेयर हो गई, और नीचे से इनकी प्लेयर है प्यूटल्स, ही बहुत अच्छा कर रही है, और भगवान करे अगर ये, या तो अगर ये खेले तो मेरी टीम में हो,
या तो ये खेले ही ना, क्योंकि अगर आज के मैच में ये लड़की नहीं खेलती फिर मैं अपनी टीम में सी पीना को ले पाऊंगा, फिर मैं अपनी टीम में बौनमती को ले पाऊंगा। मैरियोना छूटती है छूटे, क्योंकि उसने पहले भी मुझे कभी जीत नहीं हासिल करवाई, इसलिए बस ये थोड़ा सा मतलब डर की बात है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद जे कीलैंड एक नॉर्मल प्लेयर 30-40 पॉइंट देने वाली। उसके बाद आपको उसके बारे में बताया था कि राकल एंगेस्विक कभी कभी गोल करती है और असिस्ट में इसका ज़्यादा जोर रहता है। और डिफेंडिंग सेक्शन की बात करें, ब्रॉन्ज फर्स्ट डिफेंडिंग पे रहेगी, क्लीन शीट लगी तो 20 पॉइंट समझ के ही चलो। और बैटल की बात करें, वो बैटल तो नई उठ रही है प्लेयर, अच्छा खेलती है भाई, बहुत अमेजिंग गेम प्ले है। शुरू में जब आई थी ना ये, जब ये अपनी ऑन लीग में खेलती थी, जब ये सीधी मतलब लालीगा स्पेनिश वुमेन लीग में, तब बैटल भाई इतनी अच्छी नहीं थी, बट अब बहुत अच्छी हो गई है। और उसके बाद मार्था को अभी नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने आई पैरट्स के कुछ मैचेस देखे थे, ये फिट है अब, और इसने अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था, क्योंकि बार्सिलोना की चारों डिफेंडर काफ़ी गेम में रहती हैं, ऐसा लगता है कि एग्जिस्टेंस में है चारों प्लेयर, क्योंकि कभी कोई गोल कर रहा है कभी कोई कर रहा है, और ज़्यादातर डिफेंडर पे डाउट रहता है। तो डिफेंडिंग बहुत अच्छी है भाई बार्सिलोना की, रोकने से ज़्यादा गोल करना पसंद करती हैं ये, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। उसके बाद मैं गोलकीपिंग की बात करूँ तो मेरी अगली जो प्लेयर है वो है अरोरा माइकलसन। तो देखते हैं कैसा खेलती है, क्योंकि मैंने बिगेस्ट टीम के अगेंस्ट आज काफ़ी दिनों बाद खेलते देख रहा हूँ यार। एंड बात करें कप्तान की, मेरी जो कैप्टन है वो ग्राहम हैंसन है। वाइस कैप्टन आप पीना या एस पैरा लुएलो में से किसी एक को रखना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, एस पैरा लुएलो और सी पीना में से किसी एक को वाइस कैप्टन आपने रखना है, ठीक है? तो ये हमारी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।